हाय, दिस इज जहिंद फ्रॉम जहिंद बायोलॉजी चैनल। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, दिया गया है, वहाँ से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्लांट, ये सब वीडियो पहले देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज़ द पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। मनुष्य में पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक भाग है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। फिर हम देखते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की हिंदी मीनिंग होती है शाकाहारी। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल है रैट, काउ, एलिफेंट, ATC। सेकेंड नंबर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की हिंदी मीनिंग होती है मांसाहारी। कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर। थर्ड नंबर है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स सर्वाहारी। ओमनिवोर्स ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जिसके एग्जांपल के लिए आते हैं डियर, पिग एंड ह्यूमन बीइंग। आल्सो ह्यूमन बीइंग भी आते हैं इसके अंतर्गत। होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑल मल्टीसेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर। फिर हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। न्यूट्रिशन के लिए एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, जिसको हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, जो माउथ टू एनस एक पाइप की तरह संरचना होती है माउथ से एनस तक, जिसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एसिमिलेशन प्रोसेस, ये सब प्रक्रियाओं के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ टेक ऑफ होल फूड, मतलब मुंह में पूरा भोजन लिया जाता है। टीथ च्वाइंग एंड ग्रिंडिंग, मतलब दांत जो होते हैं उनको कतरते हैं और पीसते हैं पूरी तरह से। और माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन जो होता है वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टंग का क्या काम होता है? रोलिंग द फूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। टंग आल्सो हेल्प इन पुशिंग डाउन द फूड। जैसे कि जीभ जो होती है वो भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और उसको ओएसोफेगस के थ्रू पुश करने का काम करती है, नीचे स्टमक के लिए धकेलने का काम करती है। फिर आता है ओएसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। ओएसोफेगस टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक प्रोसेस होती है जो कि ओएसोफेगस के अंदर एक लहर सी बनती है, एक मतलब जैसे पानी में लहर उठता है उसी तरह से लहर से उठती है और फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। अब ओएसोफेगस से फूड जाता है स्टमक में। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, उसके जो भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ जूस सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस जिनको बोलते हैं पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। फिर पेप्सिन और HCl म्यूकस के फंक्शन को हम देख रहे हैं आगे। फिर हम सबसे पहले पेप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन अमीनो एसिड। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। फिर हम HCl की बात करते हैं। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक एंड HCl आल्सो किल द माइक्रो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन द फूड। भोजन में जो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने का काम करते हैं और उस मीडियम को जहाँ पे भोजन पाया जाता है उसको एसिडिक बनाता है, अम्लीय।
म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, जो स्टमक के अंदर ही HCl सीक्रेट होता है उसी से बचने के लिए स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जिस HCl जो होता है वो बहुत एसिडिक होता है, जिससे उसकी लेयर को डाइजेस्ट ना करने पाए, उसको नष्ट ना करने पाए, इसलिए म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है स्टमक के अंदर। एग्जिट फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्टमक के बाद एक सी शेप की संरचना पाई जाती है जिसमें स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो कि फूड को स्टमक से एग्जिट करने में हेल्प करती हैं, और एग्जिट होने के बाद वो भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वो सी शेप की संरचना जो कि स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसी पे सी शेप के स्ट्रक्चर पे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज जुड़े हुए होते हैं, जहाँ से वो सब डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और फूड में मिक्स करते हैं। अब हम वन बाई वन लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज से सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूस के बारे में हम स्टडी करेंगे और इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लीवर सिक्रीट बाइल जूस। बाइल जूस इज ए ग्रीन येलोइश लिक्विड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल फूड। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मतलब हार्ड पार्टिकल्स के फूड को उसको सिंपल वे में, सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और फिर दूसरा नंबर आता है प्रोटीन। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है अमीनो एसिड में। और फिर तीसरा आता है फैट्स। फैट्स जो होता है वो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो एसिड एंड ग्लिसराल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल वे में कन्वर्ट होते हैं और बाद में फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अब देखते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तब होता है जब हार्ड फूड के हार्ड पार्टिकल्स सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद फिर इनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली इन इलियम रीजन पे बहुत छोटे छोटे ढेर सारे असंख्य विलाई पाए जाते हैं, और विलाई में ब्लड कैपिलरी का एक जाल फैला हुआ होता है, और इन्हीं ब्लड कैपिलरी से फूड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्बर फॉर्म में हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, वही विलाई के माध्यम से इन ब्लड कैपिलरी में जाते हैं, और इन्हीं ब्लड कैपिलरी के से होते हुए ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सभी सेल्स तक पहुंचती हैं, क्योंकि सभी सेलों को फूड की आवश्यकता होती है, फूड की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से फूड पार्टिकल्स विली के माध्यम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक सर्कुलेट होते रहते हैं, और इसी तरह से फूड पार्टिकल्स का बॉडी के पार्ट में सर्कुलेट होने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।